जी बिल्कुल, ये हमारे बड़े हैं, 30 साल हो गया मुझे शौक कर दी। हाँ। तो इनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर, तो इनके साथ हम अल्लाह का शुक्र है 30 साल हो गए लगे हमें। बिल्कुल, तो सारी इनकी मेहरबानी है। नहीं, आप समझते हैं, जैसे कि नईम साहब ने अपना ये टूर्नामेंट का करवाया, मजीद आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के काम होना चाहिए। जी जी, खाली इनके अलावा के बाकी को भी करना चाहिए। नहीं, इनके बाकी को करना चाहिए। हाँ। लेकिन इनका जो फर्स्ट पहली दफा जो काम किया इन्होंने, मैंने अपनी लाइफ में देखे नहीं है, दो दो साल नाम ही मिलते हैं, ये साथ बैठे हमारे, तो ये साल नहीं मिलते, ये बहुत अच्छा होना भी ऐसे चाहिए। हर बंदे को जो ना ये दूसरे तीसरे दिन के एक हफ्ते बाद नाम दे देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छी कारगर्दगी है नईम साहब की, इनके साथ। तो आप इनको फिर कहें ना कि अगले जो सीजन आ रहे हैं उनमें भी फिर कोई ऐसी कारकर्दगी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। मीरा हमें आवाज साहब ने अगले साल भी ऐसी कारकर्दगी, अगले साल नहीं जी, अगले सीजन भी तो आ रहे हैं ना। जी हाफिज साहब, अगले सीजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ये इसी तरह चलता रहेगा, ये हर सीजन में कप उड़ेगा, इसी तरह हर सीजन में। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये जिन्होंने एंट्री की, लाहौर की कामयाबी, ये लाहौर की कामयाबी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिन कप्स वाले से पूछते हैं, वो मैंने किसी का नाम नहीं लेना देखे, वो भी अच्छा कप उड़ाते हैं। जिससे भी पूछा उन्होंने कहा जी हमने फलाने से एंट्रियाँ लेनी है हमने, मैं कहता हूँ जी मुझे 86 एंट्री हुई हैं। मैं इस चीज़ का प्रूफ के साथ आपको कह रहा हूँ कि 86 के 86 एंट्री हमें कैश आई है, और मैं उनको अपने कप का टाइगर कहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है, अच्छा दूसरी चीज़ एक और चीज़ इसमें मैं मेंशन कर दूँ कि शख्सियत का भी बड़ा किरदार होता है। जी, नाम के साथ ही एंट्रियाँ जुड़ी हैं। हाँ, शख्सियत का किरदार होता है। तो मैं अक्सरियत का ये फोन आया कि शेख साहब का नाम से कप उड़ रहा है तो हमारी एंट्री लिख लें, शेख साहब के नाम का कप उड़ रहा है हमारी एंट्री लिख लें। बिल्कुल ऐसी है। तो आप आगे जो अब सीजन आ रहे हैं उसमें ये वर्ल्ड चैंपियन काम होना है कि नहीं होना? ये इंशाल्लाह चलता ही रहेगा, हर सीजन में उड़ाएगा इंशाल्लाह, ये हर सीजन में उड़ेगा, ये कप मिस नहीं होगा। हर ये चेतन आज... की चौथी त्वार भी उड़ेगा, वसाख के चारों त्वार भी उड़ेगा। हमने कप अनाउंस किया है लाख रुपए एंट्री वाला भी। जी जी जी, वो चारों त्वार की जो एवरेज होगी उसका नाम भी अगले दिन ही दे जाएगा, चौथे त्वार के बाद जो पीर होगी उसमें वो लाख रुपए वाला इनाम भी दे दिया जाएगा। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त। ये मैसेज है, इस कप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किसी को अपने पैसे ना इस्तेमाल करने दें, किसी को अपने पैसे मत खाने दें, जो लोग आपके पैसे यूज करते हैं खाते हैं उनसे दूर रहें, और अच्छे कप को आप प्रमोट करें। ले जी, आज वर्ल्ड चैंपियन हाफिज नईम साहब तारीख रकम करते हुए आज चैंपियन को इनाम देंगे, तो हम इधर आ जाए ना, हम इकट्ठे खड़े होते हैं। शेख साहब से तो मैंने करनी है बात, शेख साहब से मैंने, तो शेख साहब हमारे साथ हैं जी। उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नाम का टूर्नामेंट और लाहौर की तारीख रकम होगी इस टूर्नामेंट से। दोस्तों, ये हाफिज साहब की एक कोशिश है कामयाब करने के लिए, ये उनका प्यार मोहब्बत था, उन्होंने मेरे नाम से ये कप उड़ाया। असल कोशिश तो ये की जा रही है कि इनाम वालों को, जो इनाम जीते हैं उनको जल्दी उनका हक मिल जाए। सर जी, आप भी अरसा दराज से टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो आज ये आप जैसे इनाम जा रहा है, इसमें आपको भी फील होता होगा कि भाई यार कितना अच्छा लग रहा है कि जल्द से जल्द इनाम। अच्छा लग रहा है, और मैं शुरू से ही इस चीज़ को पसंद कर रहा हूँ। हाल ही का लाहौर में एक कप उड़ा था, लाख रुपये एंट्री वाला कप, उसकी शुरू में डेट रखी गई थी कि एक माह के अंदर उसके इनाम दे दिए जाएंगे। वो शुरू में चंद कपों में तो एक माह के अंदर इनाम दे दिए जाते रहे हैं, लेकिन आगे उनको भी एक साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाली का वो एक बड़ी रकम होती थी, वो तो पहले दी जा सकती थी, लेकिन वो भी इनाम ला के साल से ऊपर हो गए हैं, तकसीम में इनामात भी हो चुका है, फिर भी लोगों को अभी तक इनामी रकम नहीं मिली। उसमें कुछ एंट्री वालों की गलती है, कोई 10% कप कराने वालों की भी होगी। उसकी वजह यह है कि लोग एंट्रियां देते नहीं, ज़्यादा एंट्रियां तल्लक की बुनियाद पे ली जाती हैं। हमने इस कप में कोशिश की है कि हम किसी फ़ोन पे हमने एंट्री नहीं ली, हमने कैश की सूरत में एंट्री ली है। ये सबसे अच्छा काम है, बहुत अच्छा। और लोगों ने इसको पसंद किया और हमें नकद एंट्री दी है। बिल्कुल, एंट्री से ज़्यादा इनाम दिए जा रहे हैं। तो ये आप जो एंट्री से ज्यादा इनाम है इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये हाफिज साहब का एक नया आइडिया निकला, ये हाफिज साहब ये साबित करना चाहते हैं कि जो शौकीन हजरात जो उड़ाना चाहते हैं ना, वो अपने पास से भी एंट्री डाल सकते हैं। सबके पास माशाल्लाह वसाइल हैं, उसमें किसी 25% या 10% की कटौती अच्छी बात नहीं, वो शौकीन ही लगते हैं। आफत साहब तो शौकीन साबित हुए हैं। जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, वर्ल्ड चैंपियन जिंदाबाद, वर्ल्ड चैंपियन जिंदाबाद। और इससे पहले दो फ्री एंट्री का भी उड़ा चुके हैं बगैर एंट्री के, वो भी माशाल्लाह बहुत कामयाब। उनके इनाम भी अगले दिन दिए गए हैं, मोटरसाइकिलें दोनों की।
तो कोशिश यही है कि ये तो कबूतर परवर हजरात पर है कि वो कौन सी एंट्री पसंद करते हैं, जो सालों साल इनाम ना मिले या वो जो अगले दिन एंट्री मिलती है। क्या बात है, बहुत आला, बहुत जबरदस्त जी। शहबाज भाई की कहना चाहोगे तुम? शहबाज नद साहब, ये हंसी जो है ना आपकी, अच्छी इसने बता दिया कि क्या काम हुआ। हाँ जी, ये कामयाबी है बहुत बड़ी। तुम मजा आया कि नहीं भाई? कामयाबी बहुत बड़ी। हाँ जी, ये अब साहब ना पहली सोच सोची सी ठीक है, तो ये बुजुर्ग बंदे ने सुनना पे ठीक है, लाहौर के एक अच्छे उस्ताद ने, ठीक है, सीनियर उस्ताद ने, इन्हों का नाम तक पुटिया, ठीक है, जो असा किया यही बनता सी इन्हों के ना तो उड़ा के, सही ठीक है, तो दोनों चीजें, दोनों चीजें सुनना पे, इंसान भी अच्छे ने ते कप भी अच्छा हो गया, बस यही मेहनत, उड़ाने वाला भी अच्छा हो गया, उड़ाने वाला भी है ही अच्छा है। हाँ, क्या बात, बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, बात यह कि हम तो बात कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने इनाम देना है, और जिन्होंने नाम लेना है उनमें से रमजान भट्ट साहब से तो बात होगी। जी जी। एक और शख्सियत यहाँ पे जो अरसा दराज से टूर्नामेंट का हिस्सा, टूर्नामेंटों में हिस्सा लेती आई है, तो उनसे भी पूछते हैं उस्ताद मोहतरम आप क्या कहना चाहेंगे, ये बर वक्त इनाम जो मिल जाना, या किस तरह की रीत और रिवाज है? मैंने हमेशा कप उड़ाए हैं, जो भी 15 दिन में मैंने पहले भी इनाम दिए, मैंने अपने फंक्शन कभी मैंने कप में इनामी रकम ले, लेकिन शेख साहब को पता है इस बात का, जितने भी कप उड़ाए हैं, ठीक है, इस मरतबा भी मैंने कप अनाउंस किया था, मैंने कल ही सबको इनामी रकम दे दी है, लाहौर बादशाह के नाम से ना कप किया था, जितने बंदे हैं ना, कल पीर वाले नहीं, हर बंदे को एक पेंडिंग है नाम, वो पड़ा उसका कैसर गुजर के बादल कबूतर, सही, मैंने कप अनाउंस किया, उसके बाद शेख साहब ने अच्छी रिवाज डाली, बहुत अच्छा कप इन्होंने उड़ाया, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने बेहतरीन जबरदस्त हमसे भी अच्छा कप उड़ाया, इन्होंने इनाम ज्यादा दिए है हर चीज, बहुत शेख साहब को और हाफिज नईम साहब को इसका क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारी दुआएं हमारी सपोर्ट के साथ हैं, ठीक है, शौक प्यार वो बस ही होता है, ठीक है, हरीफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो बंदा अच्छा काम करे। सर एक बात कहूँगा, एशियन टाइगर के नाम से आप मशहूर रहे हैं माशाल्लाह, तो आज एक एशियन टाइगर और एक वर्ल्ड चैंपियन दोनों ही करते हैं, तो मेरा ख्याल है दोनों के लिए जरा तालियां नहीं हो जानी चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन साहब के लिए भी ना रहे, कोई भी बंदा कबूतर पर अच्छा काम करे, चाहे वो लाहौर में करे, चाहे वो किधर भी करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। इस वक्त हाफिज साहब ने सबसे अच्छा काम किया, शकीनों वाला काम किया, इससे ज्यादा इज्जत और क्या हो सकती है, एक बंदा अगले दिन इनाम देने आ रहा है, गारा आपके आ रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कप का असूल यही है, देख रहा शादी मेरी आज हुई है तो सोहरा मुझे 2 साल बाद मनाने के लिए। अच्छा, मैं बहुत देर से सोच रहा था उस्ताद जी ने कोई बात नहीं। चल, मेरा ख्याल है कि चलते हैं। आए जी, ये नाज़रीन अब उस्ताद वर्ल्ड चैंपियन हाफिज नईम साहब और उस्ताद शेख अतर साहब और शहबाज नद साहब, उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले और रमजान भट्ट साहब मालीपुरा, इनको जो यार ये चेयर्स यहाँ से हटा दो, इनको जो ये इनाम देंगे। मेरा ख्याल है कि सिर्फ बाकी लोग पीछे आ जाएं, सिर्फ जो 2 लोग हैं उसके बाद पिक्चर सबकी ले लेंगे, तो ये इनाम वाला जो सिलसिला है ना ये, ताकि वो पीछे फ्लैक्स वगैरह सारी क्लियर आती रहे। सर जी आपने, आप इधर आ जाएं, हाफिज साहब इस साइड पर, हाफिज साहब इस साइड पर, एक मिनट सर, एक मिनट, हाफिज साहब आप इस साइड पर आए, जरा टीम पूरी आपकी इकट्ठी हो जाएगी ना। ये जी फर्स्ट प्राइज चैंपियन उस्ताद शेख अतर वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट के चैंपियन, उनके हाथ में जो है ये इनाम दिया जा रहा है, शेख अतर साहब ये इनाम दे रहे हैं, भरपूर तालियां एक दफा इनके लिए। ये तारा गुजर साहब की तरफ से बोल रही है, ठीक नहीं है,
क्या बात है, ठीक हो तारा गुजर जिंदाबाद, तारा गुजर जिंदाबाद, उस्ताद शबाज नद जिंदाबाद। कावरा भाई इनका छत वापस पानी था डके रहे सारे यार, सेल सेल किधर है, सेल है ये माशाल्लाह जी, उस्ताद से जिंदाबाद। ये इनका नाम है जी, ये सारी क्योंकि मेहनत सारी इनकी होती है, इनके लिए भी 10,000। क्या बात है, बहुत जबरदस्त बात। ये एक और आपने जो है ना बढ़िया अच्छा एक काम किया, तारीख रकम हुई है। इस बात को समझे कि मैं भी समझता हूँ, हमारी छतों पे मेहनत ये करते हैं, बिल्कुल सही, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। बहुत अच्छा मैसेज है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी वो साजू लसी इधर ही आए हैं, ठीक है कोई गल नहीं, इधर ही, इधर ही आपका भी जी उस्ताद मुल्ला, वाह भाई वाह। अच्छा जी ये तीसरी पोजीशन का नाम है, दूसरी का तीसरी थर्ड का, थर्ड का इनाम ले जी, चैंपियन जो है वो भी उस्ताद मुल्ला और थर्ड पोजीशन भी उस्ताद मुल्ला, वाह भाई वाह, भरपूर तालियां इनके लिए। ये इनका कैश इनाम है। हाफिज साहब जरा इधर देखिएगा, देखें जी इधर, चले चले, एक दफा भरपूर तालियां सबके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी उस्ताद हाफिज नईम साहब वर्ल्ड चैंपियन जो इस तरह के टूर्नामेंट जो आइंदा भी करवाते रहेंगे। ये चैंपियन है जी, ये हमारे कप के चैंपियन बने हैं, आज के दिन ये भी वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन बिल्कुल है। एक मिनट जी जी बोले, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अगले दिन के इनाम की फीलिंग्स क्या है। सर बहुत अच्छी है, एक साल बाद जो इनाम मिलता है, अगले दिन इनाम मिलता है कि हम आप लोगों को बताएं इसकी खुशी, जो की है ये खुशी है, दूसरे दिन इन्होंने क्लियर किया, ये जबरदस्त है, अपनी शेयर करना चाहिए। कबूतर भाई की तारीख रकम की है, जो घर में आके अगले दिन इनाम भी दिए और जो अपना हरीफा उसको इतना अप्रिशिएट किया चैंपियन बनने, बिल्कुल है, चले आ गया और छा गया, बेशक आ गया और छा गया। हमारे भाई हैं, कोई हमारा हरीफ नहीं है, एक सुन ले, जो भी हमारी टिकटॉक बनती है वो एक प्यार में, वो तो एक हरीफ है, वो तो कबूतर परवरी है, ये हमारे भाई हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ ये हमारे भाई हैं, हमारा इनसे इख्तलाफ कोई नहीं है, किसी प्यार का शौक है, बिल्कुल कोई हमारी इनके साथ हार जीत भी नहीं है, हम जीते हैं समझ ले ये जीते हैं। क्या बात, आज आज सारे स्ट्रोक वर्ल्ड चैंपियन वाले खेल रहे हैं आप, ये हम जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं समझ ले, बिल्कुल जीतेंगे उस दिन हम जीतेंगे, इसमें कोई बेशक ये हार जीत मैटर ही नहीं करती, हार जीत मैटर ही। उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले और रमजान भट्ट साहब, आप आपके बहुत शुक्र गुजार हैं, आपने पूरी टीम को वेलकम बड़ा अच्छा किया, उस्ताद हाफिज नईम साहब को भी और उस्ताद शेख अतर साहब को, शहबाज नाथ साहब को, और इनके भी हम शुक्र गुजार हैं कि इन्होंने आपकी छत पे आके ये मेला सजाया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस चीज़ की खुशी हुई होगी इनाम की, और वर्ल्ड चैंपियन उस्ताद हाफिज नईम साहब, उस्ताद शेख अतर साहब और उस्ताद शहबाज नाथ साहब ने जो आज ये रीत डाली है, हम दुआगो हैं कि आइंदा भी ये रीत इसी तरह चलती रहे और अल्लाह पाक आपको भी इसी तरह कामयाब करे, अगले पीर को फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है, शौक समझ के करना चाहिए।